खबरों से पहले हम करते हैं पूरी तैयारी। हमें मालूम है हमारी जवाबदारी। हम खबरों को देते हैं तलवार की धार। आवाज की उम्मीदों को करना है साकार, क्योंकि हम हैं बुंदेलखंड के, बुंदेलखंड के लिए। बुंदेलखंड का पहला 4G न्यूज चैनल सागर एक्सप्रेस न्यूज। कहते हैं स्कूल शिक्षा का मंदिर होता है, और अभिभावक यह सोचकर अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं कि उनके बच्चे का भविष्य संवर जाए। लेकिन आपकी यह सोच है तो खबरदार हो जाइए, क्योंकि हमारी पड़ताल में पता चला है कि सागर जिले के शासकीय स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, बल्कि उनके हाथों में झाड़ू थमाकर साफ सफाई का काम कराया जाता है। सरकार के बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ नारे की हकीकत क्या है, हम बताते हैं। ये नज़ारा है चमेली चौक प्राथमिक शाला का, जहां पर बच्चों के माता पिता को यह पता है कि उनका बच्चा स्कूल गया है, जहां पर उनके बच्चे का भविष्य संवरेगा। लेकिन जब हमने जाकर देखा तो स्कूल के शिक्षक बच्चों को कुछ और ही सिखा रहे थे। यहाँ पर इन मासूमों से बड़ी बड़ी बाल्टियों में पानी भरवाया जाता है, जिनका वजन इन मासूम बच्चियों से दुगना है। बात यहाँ तक नहीं रुकती, इन बच्चों के हाथों में कलम पेंसिल की जगह झाड़ू और वाइपर थमा दिए हैं। अब इन मासूमों के भविष्य की कल्पना हम कर सकते हैं। शर्म की बात है कि उन शिक्षकों के लिए जो गुरु और शिष्य के रिश्तों को दागदार कर रहे हैं। सागर एक्सप्रेस न्यूज ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई चाहता है, जो अपना फर्ज भूलकर मासूम बच्चियों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। आपने जो मुझे वीडियो दिखाया, उससे मैंने देखा कि छोटी छोटी बच्चियां सफाई कर रही हैं, स्कूल की धुलाई कर रही हैं, बड़ी बाल्टी में पानी जाने के लिए। बहुत ही शर्मनाक स्थिति है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैंने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में फोन लगाया, तो सहायक संचालक शिक्षा के द्वारा मुझे बताया गया कि प्राथमिक शाला DPC के अंतर्गत आता है। DPC भी बात करें, सहायक संचालक DPC के कार्यालय में बताया। मैं इसकी सुबह ही जाँच करवा लेता हूँ, और जो भी इस तरह का नहीं होना चाहिए, मैं रिपोर्ट करते करते ट्विटर कर दूँ। अगर दोषी पाया जाता है तो उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए एक तरफ प्रदेश में पढ़ाई को लेकर शासकीय स्कूलों की छवि अभिभावकों के मन में अच्छी नहीं है, वहीं दूसरी तरफ चमेली चौक की इस स्कूल के शिक्षकों का यह कृत्य अभिभावकों की सोच को और भी पुख्ता करता है। सागर एक्सप्रेस न्यूज की रिपोर्ट।